लाइफ में ब्रेक लेना चलता है, लेकिन वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें टक ऐप, देख बिना ब्रेक। डेनमार्क की सैंडार्ट की खूबसूरती की चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि यहाँ सोंडविंग सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल की जोरदार शुरुआत हो चुकी है। इन तस्वीरों को देखकर आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि पूरी दुनिया में ये बेहद खास फेस्टिवल सुर्खियों में क्यों है। दुनिया भर से करीब 40 कलाकार इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और अपनी अद्भुत कला से इस फेस्टिवल की रौनक में चार चांद लगा रहे हैं। बालू के जादूगरों ने डेनमार्क के पश्चिमी तट पर जो आकृतियां उकेरी उसकी खूबसूरती देखने लायक है। यहाँ 200 मीटर की रेत की मूर्ति बनाई गई है। कलाकारों का कहना है कि बड़ी मूर्तियों को बनाने में 10 दिन का समय लग गया। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ बनाई गई रेत की मूर्तियाँ 2019 की सबसे बड़ी रेत की मूर्तियाँ हैं। इस बार उत्सव की थीम रोबोट है, इसलिए कलाकारों ने रेत से रोबोट तैयार किया है जो वहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों को खासा लुभा रहा है। हर साल सोंडविंग सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल की थीम बदलती है। अगली बार इस उत्सव का विषय द मिडिल एज होगा। उत्सव के आयोजकों ने बताया कि इस बार डेनमार्क के शानदार उत्सव में दुनिया भर से करीब 1,20,000 लोग शामिल होंगे। आज तक ब्यूरो।